हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, भाई हमारी कार आने वाली है, लैंड क्रूजर। भाई हमने उसको इंपोर्ट कराई है इंडिया से। तो गाइस, वो रास्ते में ही है, बस डिलीवरी उसकी आने वाली है। तो तब तक भाई हमारा ये लोंडा एक्सरसाइज कर रहा है। देखो ये भाई साहब, ये भाई उठ भी नहीं रहा लोंडे पे, और जब भी लगे रहा है। चल ठीक है भाई, कुछ ना होने से कुछ तो करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो गाइस, अभी थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा यार। तो गाइस, कोई अगर मेरे भाई चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन प्रेस करके यार उसको ऑल पे सेट कर दो। ओके गाइस, चलो ठीक है भाई, जब तक वेट करते हैं, जब तक हमारी डिलीवरी नहीं आती। तो गाइस, हमारी कार आ चुकी है, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। अबे भाई, कितने करेगा एक्सरसाइज, हट जब। तो गाइस, वो रही हमारी लैंड क्रूजर भाई, आराम से उतारते हैं उसको। तो गाइस, हम पहले तो इसको नॉर्मल चेक करेंगे, फिर उसके बाद इसको मॉडिफाई करा के फिर इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। ओके भाई, चलो भाई ठीक है, चलते हैं, हट जा भैया, आप तो छोड़ दे इसको। गाइस, एक नंबर लग रही है यार कार, तो अभी आराम से उतारूंगा, क्योंकि भाई हर बार यार लग जाती है इसमें से उतारने में कार, क्योंकि बहुत कम स्पेस है। गाइस अंदर आ गए भाई, अब आराम से उल्टा देख देख के उतारता हूँ। आराम से उतरो 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 उतरो, सही 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 सही, बहुत अच्छा। चलिए, ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत तो लगती है, कोई बात नहीं, रिपेयर करा लेंगे। तो गाइज, अभी इसकी स्पीड ऐसे देखते हैं, उसके बाद इसकी पूरी स्पीड मॉडिफाई कराने के बाद ही चेक होगी। तो गाइज, एक तो इसकी नॉर्मल स्पीड टेस्ट करते हैं यार, बड़ी अच्छी लग रही है पीछे से भाई, साइड से मस्त है, फ्रंट भी मस्त है, एक नंबर कार है यार। ओके गाइज, तो वैसे यार स्पीड के मतलब की नहीं होती है कार, ऐसी हुई कार है तो ये स्पीड के मतलब की नहीं होती, कोई वो तो है नहीं भाई रेसिंग में इसको यूज़ करोगे। बट फिर भी 130 तक चली गई है आराम से, 130 130 135 36, मतलब कि 140 जा रही है गाइज, 140 तक आराम से चली जाएगी भाई, ऊपर भी जा रही है 145। ओके 150 158 बस, ओ लग गई। तो गाइस 160 इसकी मान के चलो, 158 तक गई थी, तो 160 के अराउंड इसकी टॉप स्पीड मान लो बिना मॉडिफिकेशन के। तो गाइस, अभी चलते हैं फटाफट कस्टम्स में और इसको मॉडिफाई कराते हैं, एक नंबर। इसका कलर मैं सोच रहा हूँ गाइस यही रहने देते हैं, कलर वलर चेंज कराने की जरूरत नहीं है। यह कलर इसका यार अच्छा लग रहा है वैसे तो ये कलर भी, बट इसको रेड नहीं, येलो नहीं, ब्लैक, वाइट, व्हाइट चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे ठीक है, क्योंकि व्हाइट में अच्छी लगती है गाइस। वैसे ज्यादातर तो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता है लैंड क्रूजर में, बट फिर भी देखते हैं कुछ और कलर भी इसमें सूट करा तो उसको करा लेंगे। खुल जा सिम सिम भाई, अब तो खुलने लग गया, उस दिन तो ऐसे जिद करी इसने खुला ही नहीं। ओके गाइस, आ गए हम अपनी कार को लेकर के, रिपेयर करानी तो पड़ेगी, आपको पता ही है गंदी भी हो रखी है। ठीक है भाई, रिपेयर हमने करा लिया है भाई, मस्त लग रही है ना अंदर, देखो मैं कैसे बैठा हूँ भाई, मैं रियल में वैसे बैठा नहीं कभी ऐसी कार में, पर कोई बात नहीं भाई, गेम में एक्सपीरियंस कर लिया, देखो कितने प्यार से बैठा हुआ हूँ। ओके, आर्मर ले लेते हैं फुल, ठीक है बहुत बढ़िया, ब्रेक्स फुल, इंजन फुल, हॉर्न नहीं लेंगे ना, लाइट्स लाइट में, हेडलाइट में ब्लू कर लेंगे, बात किया बस, नियॉन किट हाँ नीचे वाली ले लेते हैं, नियॉन ले आउट चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ। ओके, नियॉन कलर ब्लू 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 ब्लू, ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। ओके भाई, ये भी हो गई प्लेट, नहीं नहीं रीस्प्रे। ओके कलर में भाई क्रोम कराते हैं भाई, हाँ बहुत से बंदों ने मुझे बहुत बार बोला भाई क्रोम कलर कराया करो, अच्छा लगता है वो भी, तो चलो ठीक है ये देखते हैं भाई, क्रोम भी कभी कभी करा लेते हैं, चलो बाद में चेंज कर लेंगे। ओके कलर भी चेंज हो गया, सस्पेंशन में भाई फुल ले लेंगे, ट्रांसमिशन भी फुल, टर्बो भी फुल, एंड व्हील्स व्हील्स रहने दो, व्हील्स में टायर में स्मोक लगा लेते हैं, बाकी व्हील्स चेंज नहीं करेंगे। ओके गाइस, ये हो गई स्मोक हमने लगा लिया, और कुछ है ऑप्शंस में, विंडोज है, ओके विंडोज में भूल गया था, पूरी लिमो ब्लैक। ओके इसके अलावा, ओके गाइस पूरी फुल अपग्रेड हो गई है हमारी प्यारी लैंड क्रूजर, है बाहर आगे ऐसे लग रही है वाइट, क्योंकि क्रोम कलर है गाइस, ये ऐसे ही लगेगा रिफ्लेक्शन में, आपको कभी वाइट लगेगा कभी ब्लैक लगेगा, वो बदलता रहता है रोशनी के हिसाब से। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक नंबर लग रही है, मैं आपको सबसे पहले इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे भाई भूल जाता हूँ हर बार। ओके गाइज, तो देखो भाई ये इसका प्यारा सा इंटीरियर होगा, ऊपर से देखो, हो भाई सनरूफ भी है इसमें, बहुत बढ़िया, पीछे स्क्रीन भी लगी हुई है किसी को टीवी वगैरह देखना हो तो। ओके लेदर सीट ब्लैक एकदम, नीचे आप इसका भाई डैशबोर्ड देख लो, ये भी ठीक लग रहा है मुझे, लैंड क्रूजर लिखा हुआ है देखो मीटर में। ओके गाइस, इंटीरियर भी हमने पूरा देख लिया है, इंटीरियर भी मस्त है, चलो अब इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। ओके तो गाइस, हाईवे पर सबसे बेस्ट स्पीड टेस्ट होती है, तो भाई यहाँ पर ही करेंगे, 175 हो गई, 180 जाने वाली है, 179 पे टिक गई, 78 77 बढ़नी चाहिए थी, 78 77 बस इतना ही था मैं क्या, अरे भाई पहुँच थोड़ी सी और पहुँच, 177 गाइस, 180 ही मान लो यार, 180 चली गई है, खैर 181 184 6 185
190 जाएगी जाए ज्यादा, एक तो धूल में चली जाती है बार बार। नहीं भाई 180-185 तक का ही दम है गाड़ी में, इससे ऊपर दम नहीं है। वैसे बहुत है यार, 180 भाग रही है, गंदी हो गई धूल में फिर भी। तो गाइस एक काम करते हैं भाई, जुगाड़ कराते हैं गाड़ी में, हमारे पास 70 जुगाड़ है, हमें को इसकी स्पीड बढ़ानी है ना। तो भाई हम चढ़ते हैं जुगाड़ू दुकान पे, उस कस्टम में हमारे पास भाई वो नहीं था, क्या बोलते हैं नाइट्रो, तो एक और ऐसा कस्टम से गाइस जहाँ पे नाइट्रो लगता है, तो इसमें मैं नाइट्रो लगवा के लाता हूँ और फिर देखेंगे भाई ये गाड़ी फाड़ के निकलेगी, फाड़ के हम भी तो देखें कैसे नहीं भागती। तो गाइस मैं फटाफट से लगवा के ले आता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको स्पीड टेस्ट दिखाता हूँ इसकी। ओके पहुँचता हूँ मैं। तो गाइस मैंने नाइट्रो चेक करवा लिया, आप देखते हैं भाई गाड़ी में कितना दम आया। अभी मैं लॉन्च करूँगा नाइट्रो भाई, ये लो भाई 280-290 भाई, नाइट्रो की पावर। एक बार और इससे भी तेज भागेगी भाई, उसने बोला था 300 पार चली जाएगी। ओके भाई 300 पार चलेगी, मैंने बोला था गाइस। ओ भाई कंट्रोल नहीं हो रही, लगेगी भाई 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 कंट्रोल नहीं हो रही, स्पीड बढ़ गई इसकी तो और भी ज्यादा। एक बार और गाइस कितनी भाग रही है भाई, कंट्रोल नहीं हो रही, उस पे कंट्रोल नहीं हो रही, मरेगा। लग गई बस। ओहो साइड से स्क्रैचेस आ गई गाड़ी में, लग गई भाई 450 से ऊपर चली गई नाइट्रो लगवाने के बाद। तो भाई ये तो उड़ गई, फाड़ के निकल गई भाई, तगड़ी हो जाती है। मैं तो अब आगे से हर एक कार में नाइट्रो लगवाया करूंगा, मानता हूँ गाइस कंट्रोल नहीं हो पाती, बट एक नंबर हो जाती है, इमरजेंसी के लिए लगवा लो ना, कहीं पे पुलिस वुलिस पीछा कर रही है तो उनको गोली देने में सबसे ज्यादा काम आएगी। तो गाइस कार तो गंदी हो गई है, इसको धुलवानी तो पड़ेगी ही, चलो कोई टेंशन नहीं, करवा लेंगे इसको दोबारा से रिपेयर, $100 लगने वाले, ज्यादा नहीं लगेगा। तो गाइस बस आप लोग बता रहे आपको ये कार कैसे लगी, और हाँ मेरा कैरेक्टर आपको कैसा लगा। मैं इसमें आने वाले टाइम पे कुछ और अपडेट्स भी करूंगा, मुझे करने हैं बट अभी टाइम नहीं लग पा रहा, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा और बाल वाल लगाऊंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम अभी इसमें करने मैं कर दूंगा। तो गाइस आप लोग बताओ यार आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके यार उसको ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।